नमस्कार बताएं जी, क्या नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? सर अभी जो मैम ने बताया अच्छा, वही सवाल है। अच्छा, आप सुन रहे थे मैम ने जो बताया। हाँ, रिटायरमेंट के बाद सेटलमेंट की जो अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, तो मैम ने अभी बताया लेकिन ग्रेजुएटी पे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो आप देखिए कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हैं या नहीं है। आप अगर देखेंगे कि वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, पहले इनसे पूछ ही लेते हैं ना। अहमद जी कुछ आईडिया आपको? कवर्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड है। बिल्कुल, तो आप अगर उसमें आपके एम्प्लॉयर कवर्ड है तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो आपका लास्ट सैलरी है बेसिक प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ इयर्स इनटू 15/26 पहली कैलकुलेशन, दूसरी आपकी 20 लाख जो अब बदल चेंज होके 20 लाख हुई थी अमेंडमेंट होके, तो ये 20 लाख काफी बड़ा फिगर अब हो चुका है, और तीसरा जो आपको एक्चुअली रिसीव हुई है। तो इन तीनों में जो लोएस्ट होगा वो आपकी ग्रेचुटी में एग्जेम्पशन होगी। आप मान के चलिए कि अगर आपको 20 लाख से कम की ग्रेचुटी मिली है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, अगर 20 लाख के ऊपर है तो आप इन तीनों में देखिए आपका लोएस्ट क्या है। चलते हैं सूरत गुजरात, जहां से कौशिक मोदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कौशिक मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। नमस्कार, मेरा हायर पेंशन के बारे में क्वेश्चन है। जी बताएं। मैं पीएसयू सेक्टर में सर्विस करता था। ठीक है। मैंने ईपीएफओ की तरफ से हायर पेंशन का ऑप्शन पसंद किया है। ठीक है। और मुझे तारीख 14/11/2012 से तारीख 29 फरवरी 2024 तक मासिक रुपया 19,000 के हिसाब से रुपया 28 लाख पेंशन एरियस के रूप में मिलेगा। ठीक है। लेकिन ये 28 लाख पाने के लिए मुझे 23 लाख जो बीएफ कंट्रीब्यूशन से मिला था वो मुझे भरना पड़ेगा। अच्छा, ईपीएफओ के खाते में भरना पड़ेगा। ठीक है, जो हायर पेंशन का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो मेरा दो क्वेश्चन है कि मेरा आयकर की जिम्मेदारी कितनी बनेगी, और दूसरा है 89 की छुट्टी ले सकता हूँ क्या? 89(1) की छूट ले सकते हैं। तो अभी अभी आपने जो आपने अमाउंट जमा करना है 23 लाख का शायद आपने बोला, ये कर चुके हैं या अभी करना है? हेलो, अभी करना है, अभी मेरे पास लेटर तो आ गया है। ठीक है, देखिए इसमें ना दो तरीके से जो ईपीएफओ है आपको हायर पेंशन दे सकता है। पहली चीज ये है कि आपने अगर जैसे आपने 23 लाख जमा करना है आपको 28 लाख मिलना है, तो हो सकता है पहले आप 23 लाख जमा करें फिर आपको 28 लाख मिले। दूसरा तरीका है कि आपको सीधा बैलेंस ही मिल जाएगा जो 5 लाख रुपए तक का बनेगा। तो पहले आपको ये देखना है कि आपको वो किस तरह से वो दे रहे हैं, वो TDS कितने अमाउंट पे काट रहे हैं। एक बार इस पर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि इस पर थोड़ा सा प्रोविजंस अनक्लियर हैं कि किस तरह से ईपीएफओ कैलकुलेशन करके आपको देता है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। तो एक बार इस पर थोड़ी क्लैरिटी हो जाए, आप इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद हम आपको बेटर जवाब दे पाएंगे कि आपका एक्चुअल जो अमाउंट है वो टैक्स का कितना बनता है। एक बार पेमेंट आने दीजिए और फिर तब जो उलझन होगी आप उस ज़्यादा सफाई आ जाएगी, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सटीक तरीके से हम आपको बता सकेंगे। आप लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और ऐसे ही हमारे टीम से आपको संपर्क किया जाएगा और सीधा टैक्स गुरु से आपका कांटेक्ट करा के आपको उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं हम लोग निर्मल कोचर जी के पास, जो कि पंजाब जेरकपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निर्मल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मुझे एक बैंक ने एक्सपेंशनर हूँ, मुझे नवंबर 22 का एक्स ग्रेशिया की फिगर में 47,000 का बैंक ने एरियर दिया है मार्च 24 में। ठीक है। इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन माय बेसिक पेंशन। ठीक है। एक सेपरेट एंट्री आ रही है जो मैसेज भी बैंक का आया है कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट करी है, तो इज इट एक्स ग्रेशिया अमाउंट टैक्सेबल और नॉट? बट ये किस चीज के लिए की आपको एक्स ग्रेशिया? ये पेंशन जो मेरी आई एम पेंशनर पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके। तो बैंक ने नवंबर 22 से ये रिवाइज्ड एक एरियर दिया है 43,000 रुपए का अप टू फरवरी 24। पेंशन को रिवाइज किया, उस रिवाइज्ड पेंशन का एरियर दिया आपको 43,000। जी 2,500 वर्कआउट होता है मंथली, मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका जो एक्स ग्रेशिया है ये इन लियू ऑफ सैलरी, क्योंकि पेंशन को हम सैलरी की तरह ही कंसिडर करते हैं, तो आपका एक्स ग्रेशिया इन लियू ऑफ सैलरी जो मुझे समझ आ रहा है उस तरीके से आपको दिया गया है। तो जब आपको कोई भी एक्स ग्रेशिया इन लियू ऑफ सैलरी वेजेस या जिस तरह से भी आप उसको बोलें, आपके केस में पेंशन दिया जाता है, तो उस एक्स ग्रेशिया को हम
टैक्सेबल मान लेते हैं, तो आपको जितना भी एक्स ग्रेशिया मिला है उसको आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के अपने स्लैब रेट पे, जो भी आपका स्लैब आप फॉल करते हैं, अगर आप 30% में ब्रैकेट में है तो 30% टैक्स आपको इसको दे के पूरा टैक्सेबल दिखा के आपको इस पर टैक्स देना होगा। चलिए निर्मल जी, क्लियर है? बट आई वाज हैविंग सम डाउट इन माय माइंड। हाँ बताएं बताएं, क्या डाउट है? नहीं अब ठीक है, अब मैडम ने क्लैरिफाई कर दिया, अब टैक्सेबल है। आई वाज हैविंग कि वेदर टैक्सेबल होगा, क्योंकि इट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन माय बेसिक पेंशन। अब तो डाउट नहीं रहा ना आपका? हाँ जी हाँ। चलिए बस यही हमारा मकसद रहता है टैक्स गुरु का, और आगे भी कोई उलझन हो तो बताइएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप NRI हैं और हमेशा के लिए भारत लौट रहे हैं तो कैसे सुलझाएं टैक्स की उलझन, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।